वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कोटा विश्वविद्यालय की प्रभावित हुई स्नातक व स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 21 सितंबर से करवाने का फैसला लिया है। कुलसचिव आर के उपाध्याय के मुताबिक परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। यूजी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर की गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों को पेपर हल करने के लिए 3 घंटे के बजाय 1.5 से 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो प्रश्नों की संख्या भी कम रहेगी। इसके अलावा सेमेस्टर स्कीम पर आधारित पाठ्यक्रमों के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू करेगा। परीक्षा का टाइम टेबल कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी टाइम टेबल के अनुसार आवंटित किए गए परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। गाइडलाइन उस गाइडलाइन के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं और वही गाइडलाइन हम सेंटर को भी भेजेंगे ताकि उस गाइडलाइन के हिसाब से सेंटर की व्यवस्था अपनी व्यवस्था कर सके। सारे सेंटर के अधीक्षक और हमारे एग्जाम्स जो फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं वो एग्जाम सुचारू रूप से हो सके। कितने सेंटर इसमें हैं और होमवर्क कर रहा है क्योंकि अभी टाइम टेबल फाइनल नहीं हुआ है। टाइम टेबल फाइनल होते ही जो सेंटर की हमारी क्षमताएं हैं उन सेंटर की क्षमताओं का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा।